ये रामदेव है ना, रामदेव इनका दिमाग खराब हो गया है। ये बाबा कहाँ से है? ये बाबा है, कोई योगी है, साधु संत है। ये सब पेट फुलवाता है लोगों को, सांस निकालो, ऊपर खींचो, नीचे खींचो। और जो लोग खा पी के, जिनको चीनी का बीमारी हो गया है, खैरात का माल जो खाए हुए हैं लोग, समझा है? तो उनको वो समझ रहे हैं कि हमको रहना है बहुत दिन तक, हमको मरना नहीं है। तो वो रामदेव बाबा अपना कमाई कर रहा है। रामदेव पर शब्दों के बाण छोड़ रहे लालू से इसकी वजह भी जान लीजिए। अब इसकी भूख हो गई है राजनीति में आने का। बड़े बड़े लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ बोल के स्वर्ग में पधारे हुए हैं, अब इनका बारी है। जो काम कर रहा था वो काम कर। लालू यही चुप नहीं रहे, रामदेव पर किया गया एहसान भी याद दिला दिया। हम तुम्हारा जान एक बार बचा दिया, नहीं तो ये हल्ला मचा था ना कि हड्डी मिला के किया था। अब फिर बचाएंगे? है सुनिए, मजा मत लीजिए। लालू ने रामदेव को नेक सलाह भी दे डाली। ये काम है, जो काम करे वो काम करो, दवाई अपना दवाई बेचो, डडी बूटी जो बेचते हो बेचो, जल्दी अपना बीजेपी का काम करना है। लालू यही नहीं रुके, लालू ने तो साधुओं की कौम पर ही सवाल उठा दिए। कितना साधु लोग, कितना कौन बाबा कब कब ललचकर आ गया कि हम, ये जो भीड़ उड़ होती है ना लोगों का, रोगी बीमारिया लोगों का, अब एक रथवामी का शिकार है कि मेरा समर्थक हो गया सब आदमी। हम जाते हैं मीटिंग में तो लाखों आदमी अभी खड़ा हो जाएगा, हल्ला कर दो लालू यादव आया, झांसी में आया, अभी 50,000 आदमी लड़का लड़की सब जमा हुआ कि नहीं, और आज जे डी का कैंडिडेट खड़ा कराएंगे तो एक वोट नहीं देगा। झांसी में निजी कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे लालू के लिए सच में हुजूम जुटा था, लेकिन इसकी हकीकत उन्हें भी पता है। फैसला लिया कि 6 महीना हम बोलबे नहीं करेंगे, बोलने से फायदा कोई? जहाँ चुप पुराना चुप रहेंगे, जहाँ बोलना हम बोलते हैं चुप पे सरा जाएंगे। लालू यही नहीं थमे, नीतीश की जीत, FCI की लूट, रेलवे में आरक्षण, सब पर बेबाकी से बोले लालू, फिर भी कहते हैं हम फैसला लिया कि 6 महीना हम बोलबे नहीं करेंगे। हम बोलेगा तो बोलोगे के बोलता है, हम बोलेगा तो बोलोगे के बोलता है, हम बोलेगा तो। लालू जी की बात पर कोई टिप्पणी नहीं। ऐसा क्यों कर रहे हैं वो? हमें उनके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करनी।